My dear Saint, Bismillahir Rahmanir Rahim. Hopefully, you will be fine and you will be doing a great work. Hopefully, जो आपका वीकेंड गुजरा है, आपने बहुत सी चीजें जो हैं वीकेंड पे अपनी रिवाइज की होंगी. आप जितने भी लोगों के मेरे पास पेपर्स थे, मैं चेक करके आप तमाम लोगों को वापस भेज चुका हूँ. उन पेपर्स पे मैंने आपके इश्यूज भी लिख दिए हैं, तमाम के तमाम. और इश्यूज के साथ साथ मैंने आपके जो इश्यूज के साथ सॉल्यूशंस हैं मॉडरेशन, वो भी तमाम लोगों के साथ सॉल्यूशन भेजनी है कि अगर आप मसला क्या है और उस मसले का हल. दिनों में हम एक बहुत डिटेल डिबेट करेंगे. मैं हर बच्चे के साथ या सर एक इंडिविजुअल डिस्कशन आने वाले दिनों में करूंगा. एक दफा आज अगेन मैं चीजों को रिवाइज करूंगा, तमाम की तमाम चीजों को. देन उसके बाद मैं पिछली क्लास में तो एक ओरिएंटेशन दी थी, आज उन ओरिएंटेशन पे देन दोबारा मैं एक दफा डिटेल डिस्कशन करूंगा. अच्छा, मैंने पिछली क्लास में मॉडरेशन तमाम लोगों को बुनियादी तौर पे इंट्रोडक्शन के ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बताया था, और स्ट्रक्चर से ज्यादा मैंने डेसन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे बताई थी, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे, द एवरी टाइप ऑफ ऐसे, हमारी ऐसे की जितनी भी टाइप्स हैं, हर टाइप के फॉर द इट हैज इट्स ओन मुख्तलिफ टाइप्स पे जब मैंने बात की थी, साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मुख्तलिफ टाइप्स जितनी भी आपकी टाइप्स हैं, हर टाइप का इंट्रोडक्शन का लिखने का स्टाइल जो है That is absolutely different from each other. कि हर टाइप जो मॉडरेशन उसका इंट्रोडक्शन का लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है. मैं एक दफा दोबारा इंट्रोडक्शन का आपको ओवरव्यू देता हूँ, और देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, और एंड पे डिफरेंट मैं आपको बताऊंगा कि आर्गुमेंटेटिव का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और डिस्क्रिप्टिव का कैसे लिखना है. मैं पहले एक दफा फिर बताता हूँ कि मॉडरेशन इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज रिटन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ योर होल डिस्कशन एज वेल. यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव द ओवरव्यू 100% आप ओवरव्यू नहीं देते. 60-80% जो आपके ऐसे की तमाम चीजें होती हैं, आप तमाम की तमाम चीजें यहां पे बताते हैं. इट इज बेसिकली फोर ऑब्जेक्टिव. आप आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले आप आपका जो भी टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करते हो, देन उसको आइडेंटिफाई करते हो, इन्फॉर्म द सराउंडिंग डिटेल्स, और एंड पे आप हमेशा उसकी थीसिस लिखते हो. एज फार एज द लेंथ ऑफ एसे इज कंसिडर, मॉडरेशन दिस इज ऑलवेज द 10% ऑफ योर होल एसे. आपके एसे की 10% इसकी लेंथ होती है, 10-18 पैराग्राफ होता है. It should be in one continuous paragraph. You are not supposed to break the paragraph. Complete summary ये convey करेगा. इसके हमेशा तीन parts हैं. Opening statement, then supporting statement, and पे मॉडरेशन thesis statement. कि opening statement, then supporting statement, और end पे मॉडरेशन आप हमेशा इसकी thesis statement लिखते हो. अच्छा. मैंने कहा कि इट ऑलवेज लुक लाइक दिस वन, हमेशा ऐसे नजर आएगा कि देखे ना, एक ब्रॉडर लाइन से शुरू हो रहा है और ऐसा ऐसा डिस्टेंस हम इसको नैरो कर रहे हैं. दिस इज अनदर मैथ टेकन फ्रॉम अनदर बुक एज वेल. ठीक है ना, पहले इसका नाम हमने टेंशन गेटर रखा, देन डिटेल्स बताई, और डिटेल्स के बाद मॉडरेशन हमने पूरी की पूरी डिस्कशन जो है उसको समराइज किया. अच्छा, देन मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऐसे बताई. मैंने कहा वी हैव डिस्क्रिप्टिव ऐसे, वी हैव नैरेटिव ऐसे, वी हैव सोशियो इकोनॉमिक ऐसे, वी हैव एक्सपोजिटरी ऐसे, वी हैव आर्गुमेंटेटिव ऐसे, वी हैव लिटरेरी ऐसे, एंड वी हैव पर्सुएसिव ऐसे. एंड वे मैंने कहा था बेसिकली वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ ऐसे. हमने एक का नाम एक्सपोजिटरी ऐसे रखा था, और दूसरे का नाम हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा था. मॉडरेशन इन दोनों का जो इंट्रोडक्शन का अंदाज है, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये
डिस्क्रिप्टिव ऐसे का फॉर्मेट है, अब तमाम लोग इसको नोट कर लें जल्दी जल्दी। इसके बाद में एक मिनट, इसके लिए ये पूरा का पूरा आपने लिखना है। मैं फिर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, इनके आगे आपने जगह छोड़नी है ताकि मैं चीजों को आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। फिर मैं आर्गुमेंटेटिव को दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आर्गुमेंटेटिव की क्या रिक्वायरमेंट है और डिस्क्रिप्टिव क्या रिक्वायरमेंट है। जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन करें तमाम लोग। मेडिएशन पहले आप इसको लिखें, फिर मैं आपको वो लिखवाता हूं, दिखाता हूं। अगर तमाम लोगों ने इसको लिख लिया, फिर मैं आपको दूसरे ऐसे का दिखाता हूं। जल्दी जल्दी इसको लिख लिया। मेडिसिन जब भी आप आर्गुमेंटेटिव लिखेंगे उसका अपना फॉर्मेट होगा, और आर्गुमेंटेटिव का फॉर्मेट जो मैं दिखा देता हूं आप उसको भी जल्दी जल्दी नोट कर लें, क्योंकि देन इनका मैं सही डिफरेंस आपको बता सकूंगा। ये आर्गुमेंटेटिव है, और देखो मेडिसिन ये दोनों मिडल में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बहुत गौर से आप इसको देखें। सबने इसको भी नोट करना है। मेडिएशन तमाम लोग इसको नोट करेंगे। अच्छा, अब डियर इन तमाम को मैं वन बाय वन चीजों को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा।
Madison, descriptive essay is the essay where you are supposed to describe the things. But a descriptive essay वो ऐसे होता है यहाँ पे आपने चीजें जो हैं चीजों को details बतानी होती है. मैं मत बाद में question लेता हूँ, खटक साहब मैं लेता हूँ थोड़ी देर तक question. मैं जब भी आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखेंगे उसके चंद एक कंपोनेंट है, चाहे वो पीएमएस का ऐसे हो, चाहे मेडिएशन वो सीएसएस का ऐसे हो, चाहे वो जुडिशरी का ऐसे हो, जब भी इसका इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा वो हमेशा इन पैरामीटर्स में लिखा जाएगा जो आगे मैं आपको पैरामीटर बताने लगा हूं. हमेशा मैंने चाहे डीएसएड आप सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं, पीएमएस का एग्जाम रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उसका जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे वो इन्हीं पैरामीटर पे लिखा जाएगा. उसमें सबसे पहली बात जो है हमारी असल इसे ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं. याद रखें मेडिएशन ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर आप हमेशा दो फंक्शन करते हैं. एक हमेशा जो भी आपका टॉपिक होगा उसको इंट्रोड्यूस करते हो, और दूसरा फंक्शन ये है कि मेडिएशन जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक होगा, आप टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन करेंगे. इस वजह से हम हमेशा इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. पहले हिस्से को हमेशा हम जनरल स्टेटमेंट कहते हैं और दूसरे हिस्से को हमेशा हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट कहते हैं. जर्नल के अंदर आपका जो भी टॉपिक होगा आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे. मैं इस जर्नल स्टेटमेंट के मॉड्यूसन बहुत से नाम्स है, हम इसे जर्नल स्टेटमेंट भी कहते हैं, हम इसे हुक भी कहते हैं, हम इसे अटेंशन ग्राबर भी कहते हैं, और मॉड्यूसन हम इसे अटेंशन गेटर भी कहते हैं. मैं इसको डिफाइन करता हूं, ये होती क्या है मॉड्यूसन अटेंशन. ये लाजिम नहीं है कि ये तीन सेंटेंस होंगे, ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं. और हमने कहा कि ये वो सेंटेंस होंगे विच ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. हमने लिखा है कि इट रेफर टू योर फर्स्ट टू थ्री सेंटेंसेस ऑफ एसे एंड माय डियर फ्रेंड इट इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन ओपनिंग दैट ऑलवेज कैप्चर द अटेंशन ऑफ योर रीडर्स. ये हमेशा का जो भी रीडर है मॉड्यूलेशन उसकी अटेंशन को कैप्चर करता है, ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, और हमेशा इसके तीन मेथड्स है. ये लाजिम नहीं है कि ये तीन सेंटेंस होंगे. मैंने आपको बताया है कि ये एक सेंटेंस हो सकता है, ये दो सेंटेंस हो सकता है, ये तीन सेंटेंस भी हो सकते हैं. इसमें सबसे पहली चीज ये कि मॉड्यूलेशन जो भी टॉपिक होगा आपके टॉपिक ऑफ एसे के अंदर आपकी पहला मेथड ये कि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हो. असलन यहां पे देखते हैं बट ये आपका टॉपिक है टेररिज्म. आपका जो भी टॉपिक होगा ना उस टॉपिक पे आप क्वेश्चन करोगे व्हेन या वेयर का. मॉड्यूलेशन जब भी आप व्हेन या वेयर का क्वेश्चन करोगे आपका जो आंसर होगा वो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी. मैंने क्या कहा है कि हमेशा मॉड्यूलेशन आप उस पर क्वेश्चन करोगे और आपका क्वेश्चन हमेशा या व्हेन पे होगा या वेयर पे होगा. और मॉड्यूलेशन आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो जवाब होगा वो आपकी जनरल या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जांपल याद होगा मैंने आप लोगों से यही लिखवाया था काज ऑफ टेररिज्म, और आम से मेजॉरिटी वो लोग थे जिन्होंने एग्जैक्ट स्टार्ट किया था टेररिज्म मींस. मैंने कहा कि आप कभी भी टेररिज्म से नहीं स्टार्ट करोगे, आप सबसे पहले मॉड्यूलेशन आपका जो भी टॉपिक है मैं यहां पर टेररिज्म है इस पर मैं क्वेश्चन करूंगा वेयर डज टेररिज्म एग्जिस्ट. हर एक एक यूनिक आंसर होगा. कोई कहेगा कि सर दिस इज एग्जिस्ट वेयर देयर वुड बी इनजस्टिस, वो इनजस्टिस से स्टार्ट करता है. कोई कहेगा सर दिस इज एग्जिस्ट वेयर देयर वुड बी पॉवर्टी, वो पॉवर्टी स्टार्ट करेगा. मैं अपने आप से यही क्वेश्चन करूंगा वेयर डज दिस एग्जिस्ट, शायद मेरा जवाब होगा दिस एग्जिस्ट अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, दिस एग्जिस्ट इन सोसाइटी, तो शायद मैं इसको एक सोसाइटी से स्टार्ट करूंगा. मैं पता है इसका एग्जैक्ट मैं टेररिज्म से नहीं स्टार्ट करूंगा बल्कि मैं शायद इसका आगाज ऐसे करूंगा कि दैट सोसाइटी अचीव्स द
highest level of civilization, progress, prosperity, when you walk together. Or this is fact that you इसी तरीके से बड़े टॉपिक आ जाए को एजुकेशन. मैं कभी भी को एजुकेशन से ट्रैक्टरी स्टार्ट करूंगा, मैं अगेन उसके बैकग्राउंड मैं कहूंगा वेयर को एजुकेशन एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे एजुकेशन होती है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग होते हैं. शायद मैं उसका आगाज ह्यूमन बीइंग से करता, मैं शायद ऐसा लिखता कि अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड दिस ह्यूमन बीइंग एज द मास्टर क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स ड्यू टू वन रीजन एंड दैट इज देयर cognitive abilities. This means that they can feel, they can think, they can learn, and even they can transfer their information to the coming generation. And this transformation information is known as education. Education can be achieved by a different method, and one among them is known as a co-education. So, मैंने क्या बताया? मैंने सबसे पहली बात बताई कि बिटियासेंट आपका जब भी टॉपिक होगा आप कभी भी टॉपिक को हिट नहीं करोगे. आप कभी भी आपको जो भी टॉपिक है आप उसको हिट नहीं करोगे, बल्कि आप उसका एक अटेंशन गेटर या अटेंशन ग्रैबर से स्टार्ट करेंगे. इस अटेंशन ग्रैबर के चार डिफरेंट मेथड है, और सबसे पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. सबसे पहले ऑडियसन मैंने आपको कहा कि जब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो होगी उसको तीन, यार ये बेल चला दो ना, उसको तीन चार मेथड है उसके. सबसे पहली बात ये, उसकी सबसे पहली चीज ये है ऑडियसन, उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से आप स्टार्ट करेंगे. और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, बड़े अपने आप से आप क्वेश्चन करोगे व्हेन या वेयर का. और जब भी आप व्हेन और वेयर का क्वेश्चन करेंगे, बड़े आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आ जाएगी. इसका जो दूसरा पॉपुलर मेथड है, अगर आपको उस टॉपिक के रेलिवेंट को कोटेशन याद है, को वर्स याद है, तो डियर आप कोटेशन या वर्स इसका स्टार्ट ले सकते हो. लेकिन याद करें बड़े, उस कोटेशन को लिखने का अंदाज मुख्तलिफ होगा. वैसे आपको पता है, मैं लेता हूँ उबैद में क्वेश्चन लेता हूँ, वैसे हमारा रूल ये है कि जब हम कोटेशन लिखते हैं कभी भी, तो हम सबसे पहले राइटर का नाम लिखते हैं. हम सपोज कहते हैं कायदे आज़म सेज, लेकिन जैसे जब इंट्रोडक्शन के आगाज में कोटेशन लिखी जाती है, तो उसको आप राइटर का पहले नाम नहीं लिखते, बल्कि आप पहले कोटेशन इनवर्टेड कॉमास से स्टार्ट करते हो. मतलब सपोज यही टेररिज्म वाला ऐसे होता, यही टेररिज्म, तो मैं शायद इसको कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकता था. शायद आपने एक्स प्रेसिडेंट यूएस से बिल क्लिंटन की एक बड़ी फेमस बुक है माय लाइफ, उसने बड़े खूबसूरत लिहाज से टेररिज्म रिलेटेड उसने कोटेशन लिखी है. अगर मैं शायद इसको कोटेशन से लिखता, तो मैं ऐसे लिखता. मैंने क्या कहा है, जब इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में कोटेशन लिखी जाती है, तो हमेशा डिसेंट उसको इनवर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हो. हम लिखा कि दिस मॉडर्न एरा डज नॉट बिलोंग टू द पीपल हु स्टिल बिलीव इन कॉन्फ्लिक्ट एंड यूज अ फोर्स टू सेटल बॉर्डर इश्यूज, बट इट बिलोंग टू द इंडिविजुअल हु ट्रस्ट ऑन कोऑपरेशन एंड डायलॉग, बिल क्लिंटन. और उसके बाद डिसेंट मैं यहाँ पे अपना पैराग्राफ कभी भी ना तोड़ता, बल्कि इसी के सामने से मैं आगे लिख लेता. दो तरीके हो गए. अच्छा मेडियसन, इसका तीसरा मेथड ये है कि वी मे स्टार्ट विद सम स्टोरी एज वेल. लेकिन स्टोरी के लिए दो तीन चीजों को बहुत ख्याल रखना है. ये को बहुत ब्रीफ होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत ब्रीफ होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी होनी चाहिए. बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी होनी चाहिए. बहुत से लोग ऐसे स्टोरी लिखते हैं तो बड़ी ऑर्डिनरी टाइप स्टोरी लगती है, बहुत ऑर्डिनरी टाइप स्टोरी लगती है.
मैंने कहा वो ब्रीफ होनी चाहिए, वो कंसाइज होनी चाहिए और वो रेलिवेंट होनी चाहिए, बट वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो रीडर है एक दफा उसकी अटेंशन जो है उसको इमीडिएटली ग्रैब करे। मैं फॉर एग्जाम्पल यही डेजर्ट टेररिज्म वाला होता तो मैं शायद इसको स्टोरी से लिखता। पता है मैं स्टोरीज के क्या लिखता, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, मैं शायद इसको ऐसे लिखता कि 16th of December इज नोन एज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ऑन दैट डे मदर वॉज रनिंग ऑन द रोड विदाउट देयर शूज, स्मॉल किड्स वॉज क्राइंग विद पेन एंड सडनली इट हैज बीन टेलीकास्टेड दैट सम टेररिस्ट हैज अटैक्ड अ स्कूल इन पिशावर। और इसके बाद जैसा मैं बताता कि टेररिज्म होता क्या है। मैं इसकी और मिसाल देता हूँ, बट पिछला साल जो गुजरा है ना, मैंने 2018 एक ऐसे ग्लोबल वार्मिंग पे आया, मेरी एक स्टूडेंट है स्टार्टेड विद सम स्टोरी, उसने स्टोरी से स्टार्ट किया, बट अब स्टोरी उसकी क्या है, अब वो स्टोरी ये है, उसकी स्टोरी ये है कि सपोज एक ओल्ड औरत है, उसने सर पे एक टोकरा उठाया हुआ है और वो पानी के अंदर से गुजर रही है और पानी जो है मेडियसन उसके शोल्डर को टच कर रहा है और वो रेस्क्यू, उसने सर पे जो टोकरा उठाया है उसमें छोटा सा एक बच्चा है उसका और छोटे छोटे चेक्स हैं और नीचे इसी चीज को नीचे लिखा हुआ है कि जब भी इंसान पे डिजास्टर आता है तो इंसान हमेशा दो ही कोशिश करता है, एक अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको बचा सके और दूसरा डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ हमेशा उसकी कोशिश ये होती है कि अपनी कमिंग जनरेशन को बचाया जा सके। अब किसी जगह उसने ये पिक्चर देखी स्टूडेंट ने, अब ऐसे आ गया उसका ग्लोबल वार्मिंग इस कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मेडिसिन इसी चीज को उस स्टोरी में कन्वर्ट किया। अब वो क्या लिखती है, वो लिखती है कि एन ओल्ड वुमन इज स्ट्रगलिंग to rescue herself and her source of coming generation from a water which is touching her shoulder. This water is the result of floods and these floods always happen to the global warming. और आगे जाके बेटे उसने तो बहुत खूबसूरत वर्ड्स यूज किए, अब वो एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स याद नहीं थे लेकिन यह सब उसके उसने ऐसे पास किया और ऐसे में उसके 72 मार्क्स आए। लेकिन आप बहुत से लोग क्या कर बड़े एक ऐसी स्टोरी लिख देते हैं वो बड़ी ऑर्डिनरी सी होती है, मतलब बैड गवर्नेंस पे आएगा और वो स्टोरी लिखेंगे कि टुडे व्हेन आई वाज ड्राइविंग स्मॉल किड वाज आस्किंग फॉर मनी एट सम रोड एंड शी इज आस्किंग फॉर मनी बिकॉज देयर इज बैड गवर्नेंस इन दिस कंट्री। नो, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि स्टोरी वो होनी चाहिए, वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए, वो कंसाइज भी होनी चाहिए और ये सर वो इतनी अच्छी स्टोरी होनी चाहिए कि आपका जो भी राइटर है उस पर उसको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि इसका आखिरी तरीका हमारा ये होता है कि माय डियर फ्रेंड वी मे स्टार्ट विद सम क्वेश्चन एज वेल। हम इमेजिनरी अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन करेंगे व्हाई डू पीपल यूज द फोर्स। जब उसका जो भी माय डियर फ्रेंड आंसर बनेगा वो एक जर्नल स्टेटमेंट मेरी बनेगी। तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा डियर फ्रेंड पहला जो है हम उसे जर्नल स्टेटमेंट कहा, मैंने कहा ये वो सेंटेंसेस होंगे जो आपका जो भी टॉपिक है आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसके लिए मैंने आपको चार मेथड बताए जो सबसे आसान है वो बैकग्राउंड और कोटेशन है। अगर आपके पास बैकग्राउंड भी नहीं है कोटेशन भी नहीं है You may start with some story, और अगर आपका स्टोरी नहीं भी नहीं है तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें। और ये सुन ये लाजम नहीं है, ये कोई मैथ तो नहीं है कि ये तीन सेंटेंस होंगे, ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, ये दो सेंटेंस भी हो सकते हैं, ये तीन सेंटेंस भी हो सकते हैं। इससे आपके पहले तीन से चार जुमले हो जाएंगे। अब दूसरा जो है मैं भी क्वेश्चन लेता हूँ बट इसके बाद आपका सेकेंड पोर्शन जो है हमने उसे नाम दिया स्पेसिफिक स्टेटमेंट। स्पेसिफिक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है अब की बार आपका जो भी टॉपिक एग्जैक्ट आपका जो भी टॉपिक आप अपने टॉपिक को हिट करोगे, जैसे आपने किया था जब मैंने आपसे लिखवाया था
अब सारे लोग लिखोगे जी टेररिज्म मींस स्पेसिफिक के अंदर डेफिनेट, इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आपका जो भी टॉपिक है आप एग्जैक्ट टॉपिक को हिट करोगे, अगर अच्छी बात है तो उसके एक दो चार पांच एडवांटेज लिख लो, अगर बुरी बात है तो उसके डिसएडवांटेज लिख लो। और डेफिनेट अगर आप उसकी थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री का पता है तो थोड़ी सी उसकी शॉर्ट हिस्ट्री भी लिख लो। तो इससे क्या होंगे, आपके पहले छह जुमले बन जाएंगे। मैंने पहले का नाम जर्नल लिखा जिसके अंदर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाओगे, मैंने उसके फोर मेथड बताए, देन डियर मैंने स्पेसिफिक बताया जिसके अंदर आपका जो भी टॉपिक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, किसी इंसाइक्लोपीडिया की जरूरत नहीं है, बल्कि लेमैन टर्म्स में आप उसे डिफाइन करोगे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे, उसकी हिस्ट्री का पता है तो थोड़ी सी उसकी शॉर्ट हिस्ट्री लिखोगे, और एंड पे आपकी जो भी डिस्कशन होगी उसके बाद उसकी अच्छी बात है तो एडवांटेज लिख लो, बुरी बात है तो डिसएडवांटेज लिख लो। इससे आपके पहले छह जुमले हो जाएंगे। मुझे 5 मिनट की आप ब्रेक देंगे, ओनली फॉर 5 मिनट, तो उसके बाद हम आगे 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, जस्ट फॉर 5 मिनट। आई एम रियली सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, लेकिन आप मुझे 5 मिनट की ब्रेक देंगे। थैंक यू।
आई एम रियली सॉरी। अच्छा क्लियर हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन है इसके मुतालिक, जनरल स्टेटमेंट के मुतालिक, स्पेसिफिक स्टेटमेंट के मुतालिक, आप पहले क्वेश्चन कर ले। मैं एक सिर्फ क्वेश्चन लूंगा, बाकी क्वेश्चन एंड पे होंगे आज। जी खटक साहब बताएं। खटक साहब अनम्यूट करें अपने आप को। सर मेरा क्वेश्चन, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ओके। ये है कि वो फोर्थ मेथड क्या है, वो मैंने मिस किया है। और बड़े दूसरा मेरा फोर्थ मेथड क्वेश्चन जो ये कि है कि मेरे यू अभी में जहन एक में मिनट एक आया है। मिनट फोर्थ मेथड ये है कि यू में स्टार्ट विद सम क्वेश्चन एज वेल, आप किसी सवाल से भी उसको स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कर। और सेकंड, दूसरा जो क्वेश्चन है वो सर मुझे लगता है एज ए रीडर मुझे स्टोरी बहुत अपील करती है ना, तो मैं कोटेशन से जब मैं स्टार्ट लेने की सोच रहा था तो आई वाज लाइक के, और या किसी इंसिडेंट से, स्टोरी से, तो स्टोरी अगर जनरल, जैसे मैं टेररिज्म के स्टार में मलाला वाली स्टोरी से कर रहा था, या कोटेशन में जो रजब तैयब उर्दगान है उसकी कोटेशन, उस पे मैं ये सोच रहा था कि कोई इन पर्सनालिटीज के अगेंस्ट हो चक्कर, तो जो स्टोरी साइड है और जो अच्छी स्टोरी, अपीलिंग काइंड ऑफ स्टोरी साइड है, वो ज्यादा सेफ नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू देखो द इट किसी डिपेंड्स। का कोटेशन बोलना या किसी मैंने बंदे की आपको बात का। खटक साहब, सबसे पहले बात ये बताइए कि जो आइडियल है वो स्टोरी है, लेकिन बड़े फिर यू शुड बी अ वेरी गुड स्टोरी राइटर, और अपील भी सबसे ओके ज्यादा स्टोरी करती है। ठीक है ठीक है ओके। फेयर एनाफ, थैंक यू सर। नहीं, कोई इशू नहीं, आ जाए। एक मिनट डियर स्टूडेंट। मैं बाकी क्वेश्चन जो हैं वो बाद में लेता हूँ, अभी बाद में। अब माय डियर सन, मेरा आपसे क्वेश्चन तमाम लोगों से ये है कि सपोज करते हैं मेरा ये पहला वाला टॉपिक है कॉजेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अच्छा अब आप क्या मुझे बताएंगे बेटे, अगर टॉपिक ही हो सिर्फ कॉजेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो क्या आप कंसिक्वेंस और सोल्यूशन इसमें ऐड करोगे या नहीं करोगे? Would you like to add the consequences and solution or not? The recommends में लिखे। अच्छा मैं ये मारिया सुन आपको पहले भी थोड़ा सा गाइड कर चुका हूं, अब जरा सुनना, गौर से सुनना। मैंने कहा सर आपके ऐसे में हमेशा दो चीजें होती हैं, और याद रखें बड़े, एक होती है हम उसे एसेंशियल भी कहते हैं और हम उसे प्राइमरी भी कहते हैं। मॉडरेशन एसेंशियल एंड द प्राइमरी पोर्शन इज द पोर्शन व्हिच हैज नॉट बीन आस्क बाय योर टीचर। मैंने क्या बताया, मैंने कहा बेटे प्राइमरी पर प्लस एसेंशियल वो सेक्शन होता है जो आपके एग्जामिनर ने, जो आपके टीचर ने कैटेगोरिकली आपसे पूछ लिया है, और आप उसको कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अच्छा ये देखें, अगर पहला ऐसे आ जाए कॉजेस ऑफ टेररिज्म, तो आप कभी भी किसी भी सूरत में काजेस को नहीं छोड़ सकते। अगर आप काजेस को छोड़ेंगे तो यू वुड बी नो वेयर। मार्डियसन इसके साथ साथ पिछले साल हमारे ऐसे आया था ग्लोबलाइजेशन इट्स प्रोस एंड कॉन्स। तो दो असेंशियल जो प्राइमरी थी, जो प्रोस था वो भी असेंशियल था और जो कॉन्स था वो भी असेंशियल था। मेडिसिन प्राइमरी एक भी हो सकती है, प्राइमरी दो भी हो सकती है, और बड़ा रेयर होता है कि कभी कभार कुछ ऐसे ऐसे आते हैं यहाँ पे प्राइमरी हेडिंग जो है वो तीन होती है। फॉर एग्जाम्पल चंद साल पहले आया था टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान चैलेंज इश्यूज एंड प्रॉस्पेक्ट्स। याद रखे बड़े, इसी तरीके से अगर मैं दूसरा ऐसे देखूं तो मेडियसन यहाँ पे मेरी दो प्राइमरी हैं, मेरी काजेज भी प्राइमरी है, मेरा कंसिक्वेंसेस भी प्राइमरी है। अगर मैं तीसरा ऐसे देखूं तो मेडियसन यहाँ पे मेरिट्स भी मेरा प्राइमरी है और मेरा डी मेरिट्स जो है वो भी प्राइमरी है। मेरा मेरिट्स जो है
तो याद रखे बड़े प्राइमरी पोर्शन वो पोर्शन होता है जो कैटेगोरिकली आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया है, और आपको किसी भी तौर पे आप जो प्राइमरी पोर्शन है आप किसी भी तौर पे मॉड्यूलेशन उसे स्किप नहीं कर सकते। मॉड्यूलेशन हमारा सेकेंडरी पोर्शन, हम इसे सेकेंडरी भी कहते हैं, हम इसे नॉन असेंशियल भी कहते हैं। सेकेंडरी पोर्शन इज अ पोर्शन व्हिच हैज नॉट बीन आस्क्ड योर टीचर। अगर मैं पहले ऐसे देखूं तो इसमें ना तो किसी ने कॉजेस के साथ कंसिक्वेंसेस पूछा है, ना किसी ने सोल्यूशन पूछा है। इस दिख से मैं अगला ऐसे देखूं, मेरे एग्जामिनर तो दो चीजें पूछे हैं, एक कॉजेस पूछा है, एक कंसिक्वेंसेस, मुझसे उसने सोल्यूशन नहीं पूछा है। तो डियर, सेकेंडरी पोर्शन वो पोर्शन होता है, गौर से सुनना, व्हिच हैज नॉट बीन आस्क्ड बाय योर टीचर, बट इफ यू लेट दैट सीम्स रेलेवेंट, तो आपका स्कोर जो है, आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मैंने कहा सेकेंडरी पोर्शन इज नॉट द पोर्शन व्हिच इज आस्क्ड बाय योर टीचर, बट इफ यू लेट दैट सीम्स रेलेवेंट, आपका स्कोर जो है, आपका स्कोर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखे ना डियर्सन, को एजुकेशन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, एक ऐसा ऐसे है इसके कोई सेकेंडरी नहीं बनती। अगर मैं सेकेंडरी बनाऊं तो वो भी जबरदस्ती वाली बनेगी, बट अगर सेकेंडरी आप ऐसी बनाते हैं जो रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट है, रादर देन वो आपके ऐसे को अच्छा करे, मेडिसन वो आपके ऐसे को मुकम्मल तौर पर खराब कर देगा। तो सेकेंडरी पोर्शन वो पोर्शन होता है जो कभी किसी ने नहीं आपसे पूछा है, लेकिन मॉड्यूलेशन अगर आप उसको ऐड कर देते हो वो रेलिवेंट नजर आता है। लेकिन और भी आप पे कदगन है, और वो कदगन ये है कि आप कभी भी दो से ज्यादा सेकेंडरी हेडिंग नहीं दे सकते। अब इसको गौर से पढ़ें, ये तो मेरी सपोज ये मेरा ऐसे हो, देर आर सम हर्डल इन द वे ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री, मेरी इंट्रोडक्शन की ये फॉर्मेशन बनेगी, मैं सबसे पहले जर्नल स्टेटमेंट लिखूंगा, वो कोटेशन हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, उसके बाद डियर्सन मैं स्पेसिफिक लिखूंगा, उसके बाद मैं उसकी करेक्टरिस्टिक लिखूंगा। मुझे बताएं करेक्टरिस्टिक मुझसे किसी ने पूछी है, नहीं पूछी है, तो डियर्सन ये सेकेंडरी हेडिंग बनेगी। उसके बाद डियर्सन मैं आपसे आपकी कॉजेज पूछूंगा, ये भी किसी ने नहीं पूछी है, ये भी सेकेंडरी बनेगी। उसके बाद मैं उसकी हर्डल लिखूंगा, मॉड्यूलेशन हर्डल जो है वो मेरी प्राइमरी है। उसके बाद उसके कंसीक्वेंसेस लिखूंगा, कंसीक्वेंसेस भी सेकेंडरी है और सॉल्यूशन भी सेकेंडरी है। अगर इस ऐसे को मॉड्यूलेशन आप गौर से पढ़े तो बड़े हमारी सेकेंडरी हेडिंग जो है वो ज्यादा हो गई है। बड़े आपकी जो सेकेंडरी है वो ज्यादा हो गई। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि बेटे कभी भी आप दो से ज्यादा सेकेंडरी नहीं देंगे। अब हमारी यहां पे मैं एक मिनट इनका कलर चेंज करता हूं, कितनी सेकेंडरी बन गई बेटे। आपके एग्जामिनर ने तो हमसे कैटेगोरी के लिए एक ही चीज पूछी है, आपके एग्जामिनर ने तो आपसे सिर्फ क्या पूछा है बेटे, आपके एग्जामिनर ने तो आपसे सिर्फ एक ही पूछी है हर्डल्स, और बाकी तमाम के तमाम जो है मॉड्यूलेशन हमने सेकेंडरी हेडिंग दे दी है। हमने क्या दे दिए, अब यहां पे देखो कि करैक्टरिस्टिक भी सेकेंडरी है, कॉजेस भी सेकेंडरी है, कंसीक्वेंसेस भी सेकेंडरी है, और सॉल्यूशन भी सेकेंडरी है। ये सारी वो सेकेंडरी हैं जो बेटे आपसे आपके एग्जामिनर ने पूछी नहीं है, ये वो हैं जो आपके एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछी हैं। देखें अगर मैं इतनी ज्यादा दूंगा, मैं इतनी ज्यादा डिसेंट अगर मैं सेकेंडरी दूंगा तो इससे क्या होगा कि मेरा तो जो प्राइमरी पे फोकस है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। रादर देन बेटे मेरे तो एग्जामिनर ने मुझसे हर्डल्स पूछी हैं, अब मेरे ऐसे का जो फोकस होगा वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा, उन चीजों पे ज्यादा हो जाएगा जो किसी ने नहीं पूछी है, और जो चीजें किसी ने पूछी है उनको मैं मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर बैठूंगा। अब हम दोबारा डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आप पे कदगन लगा दी है, और आप पे कदगन ये है कि डियर्सेंट आप कभी भी दो से ज्यादा सेकेंडरी हेडिंग नहीं दे सकते। मैक्सिमम माय डियर्सेंट आप दो सेकेंडरी हेडिंग दे सकते हैं, कभी भी दो से नहीं। अब आप खुद डिसाइड करो कि करैक्टरिस्टिक में से, कॉजेस में से, कंसिक्वेंसेस और सॉल्यूशन में से अगर आप दो निकालेंगे
आप कौन से निकालेंगे ऑडियो सेट, आप वो चीजें निकालेंगे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लीस्ट रेलिवेंट है, वो दो चीजें आप निकाल दें। जरा कमेंट्स में लिखें कि इनमें से क्या निकालेंगे, इन चार में से लिखें जरा। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम करैक्टरिस्टिक निकालेंगे और कंसीक्वेंसेस निकालेंगे, कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ हम करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। मैडियोसन, जब मैंने सीएसएस पास किया था उस वक्त ये ऐसे आया था, मेरे ख्याल में बड़े करैक्टरिस्टिक को रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि देखो यार, जब आप केस ही पहले नहीं बिल्ड करोगे तो करैक्टरिस्टिक से तो बेसिकली आपका केस बिल्ड होगा कि जो ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये तो आपका केस बिल्ड करेगा। मैं मेरे ख्याल में ना तो आपको काजेस की जरूरत है ना कंसीक्वेंसेस को जरूरत है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, एक करैक्टरिस्टिक का होना मेरा ख्याल जरूरी है और एक सॉल्यूशंस में उनका होना जरूरी है। तो हम बेटे जब हम लिखेंगे तो हम ये अरेंजमेंट करेंगे कि तीन सेंटेंस जनरल स्टेटमेंट के, तीन स्पेसिफिक स्टेटमेंट के, करैक्टरिस्टिक के सिर्फ दो सेंटेंसेस क्योंकि सेकेंडरी है, हर्डल के सेवन सेंटेंसेस प्राइमरी है, अगेन सॉल्यूशन के सिर्फ दो सेंटेंसेस, और एंड वेरिएशन मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी उसका सिर्फ एक सेंटेंस आएगा। अब एक एक मिनट, एक और मैं ऐसे देता हूं सब लोगों को, बड़े आपका ऐसे है प्लेजर ऑफ रीडिंग। क्या टॉपिक है? प्लेजर ऑफ रीडिंग। अगर डियरसेंट ये तमाम लोग लिखे, इसकी प्राइमरी क्या बनती है और इसकी सेकेंडरी क्या बनती है, मैं आप में से किसी एक को कहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लेजर्स ऑफ रीडिंग और आप मुझे बताएंगे डियरसेंट इसकी प्राइमरी हेडिंग कौन सी बनती है, सेकेंडरी हेडिंग कौन सी बनती है, और आउट ऑफ 12 सेंटेंसेस आप इनकी फर्दर कंपोजिशन क्या करेंगे। एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा मार्जिन वो मुझे बताएगा, पहले सोच ले। मुझे सबसे पहले नबील बताएगा। जी नबील साहब, अपने आप को अनम्यूट करें। नबील साहब आप बताएं इसकी प्राइमरी हेडिंग क्या बनती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नबील बताएं इसकी प्लेजर ऑफ रीडिंग, सपोज आप ऐसे आ जाए तो इसकी प्राइमरी क्या बनेगी। सर इसकी प्राइमरी हेडिंग्स मेरी से इसके बेनिफिट्स जो रीडिंग के है सर वो इसके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नबील साहब आपसे बैठे किसी ने बेनिफिट्स पूछे? नो सर। तो फिर आप बेनिफिट्स को कैसे प्राइमरी हेडिंग कह रहे हो? मतलब सर ये हमें रीडिंग से बेनिफिट्स है, फायदे हैं। बट किसी ने एक मिनट बेनिफिट का लफ्ज लिखा हुआ है? नो सर। नो सर। तो फिर कैसे होगा बेनिफिट? यार देखो जो एग्जामिनर ने लफ्ज लिखा ना बेटे, वही आप कहो कि इसकी प्राइमरी बनेगी प्लेजर्स ऑफ रीडिंग। क्या प्राइमरी बनेगी? प्लेजर्स ऑफ रीडिंग। अच्छा अब ये बताओ नबील साहब इसकी सेकेंडरी क्या बनेगी। सर सेकेंडरी समझ नहीं आ रही है सर, बनेगी या नहीं बनेगी। आप समझे नबील साहब, एक मिनट, जब आपको समझ नहीं आ रही है, आपके माइंड में कोई सेकेंडरी आ भी नहीं रही है, तो इसका मतलब है उसकी कोई सेकेंडरी नहीं होगी। बड़े ये वो टॉपिक है जिसकी कोई सेकेंडरी नहीं है। जी सर। इसकी देयर इज नो, बड़े ये जो लाजिम नहीं है कि हर ऐसे की जी सेकेंडरी हेडिंग होगी। मैंने क्या डिफाइन किया था? मैंने कहा सर सेकेंडरी हेडिंग इज हेडिंग which has not been asked by your teacher, but if you read and that seems relevant, तो आपका स्कोर जो है आपका स्कोर इंक्रीज कर जाएगा। इसकी कोई सेकेंडरी हेडिंग नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा मैंने क्या डिफाइन किया? मैंने कहा डियर सर सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से का नाम माय डियर सर हमने ओपनिंग रखा और ओपनिंग के फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने एक को जर्नल कहा, जर्नल के अंदर आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ऑडियोसन दूसरे का नाम आपने स्पेसिफिक रखा और स्पेसिफिक का मतलब यह है कि आपका जो भी टॉपिक होगा आपने टॉपिक को हिट करोगे।
उसके बाद मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, मैंने यहाँ पर 10 लिखे हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। मॉडिएशन सपोर्टिंग को फर्दर हमने दो में डिवाइड किया, हमने एक को प्राइमरी कहा, और प्राइमरी वो चीजें होती हैं जो आपके एग्जामिनर ने आपसे कैटेगोरिकली पूछ ली है। मॉडिएशन मिनिमम प्राइमरी 1 होगी और मैक्सिमम 2 होंगी। मॉडिएशन सेकेंडरी स्टेटमेंट वो होती है जो आपसे किसी ने नहीं पूछी है, बट इफ यू लैड एंड दैट सीम्स रेलेवेंट, तो आपका स्कोर जो है, आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और आखिर में माय डियर सन, जब आप पहुंचेंगे तो यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन द थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस क्या होती है? और मेरे ख्याल में सीएसएस और पीएमएस और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं, माय डियर सन, अगर उनका सबसे ज्यादा किसी चीज पे इश्यू आता है वो थीसिस स्टेटमेंट है। खुद ही क्या है, कंफ्यूज है। और बिलीव मी, मैं ये समझता हूँ अगर सीएसएस के पेपर में सबसे आसान कोई चीज है ना, तो थीसिस स्टेटमेंट होती है। मैं बड़ा आसान करता हूँ आपको, जो कंफ्यूजन है आपकी, मैं कंफ्यूजन को एड्रेस करूंगा। देखो बड़े, थीसिस लफ्स जो है ना, मुझे एक मिनट, अच्छा आपको मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बड़े देखो, इंट्रोडक्शन जो होता है ना, दैट इज द कंप्लीट समरी ऑफ योर होल एसे। बड़े जो इंट्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट समरी होता है आपके होल डिस्कशन की। और उस इंट्रोडक्शन को अब जब फर्दर समराइज करते हो, मॉडिएशन, दैट इज नोन एज अ थीसिस। सर वो डीएस ने कहा कि इनको देख, अच्छा मैंने आपको डेसन ये बताया है कि आपके पूरे एसे की जो समरी होता है ना, वो इंट्रोडक्शन होता है। और डेसन, इंट्रोडक्शन की जो समरी होती है ना, दैट इज नोन एज थीसिस। मैं और आसान करता हूं, मैं ये कहता हूं कि बेटे, आप अगर पूरी की पूरी डिस्कशन को, आप अपनी पूरी की पूरी डिस्कशन को वन सेंटेंस के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो आपकी थीसिस होती है। बड़े आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन का जो क्रक्स होता है ना, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट में आता है। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। बड़े इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करना है, कि आपकी जो भी डिस्कशन है, आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को जब हम समराइज करते हैं तो वो थीसिस होती है। और याद रखें, बड़े दो किस्म की समरी होती है। अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा तो उसके अंदर आपके प्लान्स आएंगे। जब भी माय डियर सर आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा तो उसके अंदर आपके हमेशा प्लान्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, अगर ऐसे आ जाए ग्लोबलाइजेशन इट्स प्रोज एंड कॉन्स, तो आपके प्लान्स आ गए, एक बड़े उसके प्रोज आ गए और दूसरे उसके कॉन्स आ गए। लेकिन अगर ऐसे है कि इस जेंडर इक्वलिटी अमित, तो याद रखें अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो उसके अंदर उसके प्लान्स नहीं आएंगे, बल्कि आपकी पोजीशन आएगी कि या तो आप उससे एग्री करोगे या आप उससे डिसएग्री करोगे।
पहला ऑब्जेक्टिव ये है। पहला ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया कि आपकी जो भी डिस्कशन है माय डियर सर, आपने पूरी पूरी डिस्कशन को समराइज करना है। दूसरा बट इसका दूसरा ये होता है कि ये आपको आने वाले ऐसे जो है उसके साथ लिंक भी करता है। किसको? बड़े आपको जो इंट्रोडक्शन होता है उसको अगले बॉडी पैराग्राफ के साथ लिंक करेगा, और इसी तरीके से डियर्सन जब कंक्लूजन होगा उसको पिछले पैराग्राफ के साथ लिंक करेगा। इस वजह से ये हमेशा कंक्लूजन के स्टार्ट में आता है, क्योंकि बाकी पैराग्राफ जो होते हैं वो कंक्लूजन से पहले होते हैं, और डियर्सन ये इंट्रोडक्शन के हमेशा एंड पे आएगा। क्यों इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगा? इस वजह से इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ आते हैं। तो कितने ऑब्जेक्टिव हुए? दो ऑब्जेक्टिव हुए। पहली बात है समराइज करना। इसकी समरी टाइप ऑफ एसे पे डिपेंड करती है। अगर डिस्क्रिप्टिव एसे होगा तो आपने अपनी डिटेल्स या प्लान्स इंडिकेट करोगे। देखो ना, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल एंड रेमेडीज, इसके अंदर कौन से स्टॉन्स है? आपके प्लान्स है, आपके डिटेल्स है। और माय डियर फ्रेंड, अगर वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो आपके प्लान्स नहीं होंगे, कभी भी आपके प्लान्स नहीं होंगे, बल्कि उसमें माय डियर फ्रेंड आपका स्टांस होगा, आपकी पोजीशन होगी। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने कहा, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो लिंकेज का काम, जो कोहेरेंस का काम करता है, किसको? बट इंट्रोडक्शन को बॉडी के साथ लिंक करता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो इंट्रोडक्शन के बाद आती है। इस वजह से ये हमेशा इंट्रोडक्शन के एंड पे होता, और ऐसा क्योंकि बॉडी कंक्लूजन से पहले आती है तो ये कंक्लूजन के हमेशा स्टार्ट में होगा। लोकेशन, बड़े बहुत से लोग लोकेशन के मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अब आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे यार हमने तो अपनी जब ऐसे की आउटलाइन लिखी थी, आउटलाइन से पहले थीसिस लिख ली थी। मुझे बताएं बेटे, ये थीसिस मीन कि पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन या निचोड़ या क्रक्स। बड़े आपने अभी अपनी डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं किया और उसके स्टार्ट में लिख लो। आपको बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन डियर्सन जो रिकमेंडेड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की किताबें हैं, जो कमीशन ने रिकमेंड किया है, आप इंटरनेट पे माशाल्लाह आप सारे बादशाहूर लोग हो, आपको लाजमी इसको चेक करना चाहिए। और डियर्सन जब भी आप इसको चेक करेंगे आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि बेटे ये हमेशा इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगी, ये कभी भी किसी भी आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, और ये कंक्लूजन के एंड पे आएगी, स्टार्ट में। अच्छा, अब बहुत से लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे यार हमने तो आउटलाइन के स्टार्ट में लिखी थी फिर भी पास हो जाएंगे गए थे। देखो एक बंदा है, बट वो ऑलरेडी 60 marks ले रहा है, उसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, कंटेंट भी क्वालिटी का है, एक्सप्रेशन भी बहुत कन्विंसिंग है, बट अगर वो थीसिस स्टेटमेंट गलत लिखेगा ना, वो फिर भी पास हो जाएगा, 5-6 number कटेंगे, क्योंकि 100 out of 100 marks तो थीसिस के नहीं है। और दूसरी बात है, बड़े एक स्टूडेंट है वो हार्डली 40 number ले रहा है, अगर वो थीसिस को गलत लिखेगा ना तो वो फिर पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं, बड़े जितने भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेड किताबें हैं वो सारी कहती हैं कि आपका थीसिस स्टेटमेंट कभी भी ना तो आउटलाइन से पहले आएगा ना ही आउटलाइन में आएगा, ये हमेशा इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगा और कंक्लूजन के स्टार्ट में आएगा। मारिया सर, आज आपने खुद सर्च करना है कि व्हाट इज द आइडियल लोकेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। आपको 95% लिटरेचर ये कहेगा कि ये इंट्रोडक्शन के एंड और कंक्लूजन के स्टार्ट में आता है, और सिर्फ 5% और वो भी लोकल किस्म का लिटरेचर होगा वो कहेगा कि नहीं जी ये आउटलाइन से पहले आ सकती है। तो मुझे बताएं, आपको 95 चीजों को समझना फॉलो करना चाहिए या आपको 5% और वो भी वो जो लोकल कंटेंट होगा। यार सिंपल सी बात है, हमें से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने थीसिस लिखा होगा अपनी डिग्री के अंदर, मुझे बताएं जो आपके बेटे फाइंडिंग्स होती हैं वो क्या स्टार्ट में आती हैं आपकी फाइंडिंग्स? या आप मुझे बताएं जिन्होंने थीसिस लिखा हुआ है, बड़े आप जो थीसिस लिखते थे आप थीसिस का आगाज किस चीज से लिखते थे, जरा कमेंट्स में लिखे, किससे आप थीसिस अपने का आगाज लिखते थे, जरा लिखें कमेंट्स में जिस चीज से थीसिस लिखा हुआ है।
आप अब्स्ट्रक्ट से लिखते थे, और आप मुझे बताएं आपकी जो फाइंडिंग्स होती थी वो कहाँ पे आती थी? बड़े आप सबसे पहले ना लिटरेरी रिव्यू से लिखते हो या अब्स्ट्रक्ट लिखते हो, अब्स्ट्रक्ट से, और आपकी फाइंडिंग जो है वो हमेशा एंड पे आती है। चलें अब एक और एंगल से देखते हैं, बड़े आम इसे आप ला ग्रेजुएट कौन से हैं, जरा कमेंट्स में लिखें जो ला ग्रेजुएट है। बड़े सिंपल लिखना है ला ग्रेजुएट, जो जो ला ग्रेजुएट है वो सारे कमेंट्स में जरा लिखेंगे ला ग्रेजुएट। हमें से जो भी ला ग्रेजुएट है, अच्छा मुझे राबिया कह रही है ला ग्रेजुएट, राबिया जरा अपने आप को अनम्यूट करो, सैयद फैसल है याद भी कह रहा है ला ग्रेजुएट है, राबिया जरा अपने आप को अनम्यूट करो, राबिया मैं सुन रहा हूँ आपको, राबिया आप मुझे सुन रही हैं? जी फैसल आप जरा अपने आपको अनम्यूट करो, सैयद फैसल हयात, फैसल आप ला ग्रेजुएट हो जी? अस्सलाम वालेकुम। फैसल आप ला ग्रेजुएट हो जी? जी जी। आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? सर मैं इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हो आप फैसल? कोर्ट भी जाते हो फैसल? नहीं जाते हो सर, आजकल तो नहीं जा रहा पिछले एक महीने से। तो लाइसेंस है आपका? जी जी। अच्छा ये बताओ फैसल कि कभी आपने बेटे कभी को जो केस ड्राफ्ट करते हैं आपकी जो प्रेयर होती है वो कहाँ पे आती है? सर बिल्कुल एंड पे। तो बेटे वो प्रेयर जो होती है वही तो तीसरी स्टेटमेंट होती है फैसल। देखिए सर, तो इस वजह से जी बेटे याद रखो बेटे आपकी जो प्रेयर होती है क्योंकि वो एंड पे आती है, प्रेयर होते है पूरी डिस्कशन का निचोड़। इसी तरीके से बेटे जब कोई जज जजमेंट लिखता है तो जो अपनी जजमेंट देता है वो एंड पे देखता है। देखो आपको बड़ी पनामा वाली याद होगी, आसिफ सईद खोसा साहब ने जब लिखा था तो बेटे उसने उसको जब स्टार्ट लिया था ना उसने सिसिलियन माफिया से लिया था, और उसने उसको जो जजमेंट दी थी बेटे उससे एंड पे दी थी। तो याद रखें ये थीसिस स्टेटमेंट कभी भी मेडिएशन स्टार्ट में नहीं लिखी जा सकती, इट कैन नेवर बी रिटन एट स्टार्ट। अब आते हैं लेंथ पे, मैंने इसकी दो बताई हैं, मैंने कहा ये हमेशा इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगी और कंक्लूजन के स्टार्ट में आएगी। मेडिएशन जहां तक इसकी लेंथ की बात है, इसकी आइडियल लेंथ जो है वो हमेशा एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होती है। बट इसकी आइडियल लेंथ ये है, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑन वन सेंटेंस, बट ये हमेशा एक सेंटेंस पे मुश्तमिल होती है, ये कभी भी एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं होती। और ये सर इसकी दो टाइप्स हैं, बट पहली टाइप को हम कहते हैं सिंपल, मसलन ऐसे मेरा आ जाए ना अरज़म इन पाकिस्तान इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल मैं सिंपल से लिखूंगा, मैं लिखूंगा दिस एसे विल टॉक अबाउट टेररिज्म its causes, comma, consequences, and solution in coming paragraphs. ये सिंपल सी है, बट थोड़ी सी अगर मैं कंप्लेक्स लिखूंगा तो मैं मॉडरेशन इसको लिखूंगा कि this is a fact that terrorism is happening in a society where this will find its roots. However, with measures, it can be minimized as well. मैंने कहा कि बड़े इसकी तीन किस्में हैं, पहली किस्म है फॉल्टी, दूसरी है ऑर्डिनरी, और तीसरी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और याद रखो बड़े आपका जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करेगी। मैं सपोज एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि बड़े ये आपका सपोज करते हैं एक टॉपिक था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप एट हडर्स, जब आपने उसने आउटलाइन जो इंट्रोडक्शन में आपने क्या इंट्रोडक्शन लिखा, देन आपने उसके हर्डल्स लिखी, देन आपने उसके होप्स लिखे, देन कंक्लूजन। अब इन चीजों को देखते हुए हम इसकी थीसिस बनाते हैं। मेन के बड़े ये लाजिम है कि आपके थीसिस के अंदर इन तीनों चीजों का जिक्र होना जरूरी है, इनके अलावा तो ना तो कोई आप एक्स्ट्रा चीज लिख सकते हैं और ना माइडियस आप तीनों को मिस कर सकते हैं। अब ये देखें बेटे, पहली आउटलाइन हमने ये लिखी है थीसिस, सॉरी, कि डेमोक्रेसी
is the best form of governance, which has some pre-requirement to get the maximum result in the shape of peace and prosperity. मुझे बताएं बेटे ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये तमाम के तमाम ये लाइंस जो हैं या ये जो चीजें हैं इनको रिफ्लेक्ट कर रही है मॉडरेशन डे इसके अंदर ना तो हर्डल का जिक्र है ना तो होप्स का जिक्र है तो इस वजह से ये एक ऐसी थीसिस स्टेटमेंट है जो मेरे पूरे के पूरे ऐसे को मुझसे फेल करा दी दिस इज फॉल्टी क्योंकि मैंने आपको बताया है मॉडरेशन आपकी थीसिस स्टेटमेंट वो होनी चाहिए जो आपके तमाम के तमाम डिस्कशन जो है आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करेगी लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो जैसे ये तो समराइज पूरी की पूरी डिस्कशन को नहीं कर रही है आप देखते हैं बट इसी बात को अगर इन्हीं तीनों चारों चीजों को मैं कंबाइन करके सिंपल में लिखूंगा तो दिस लुक लाइक दिस वन ये ऊपर वाली सिंपल है नीचे वाली कॉम्प्लेक्स है देखो डेसेंट मैं सिंपल लिखूंगा मैं लिखूंगा दिस एसे will describe democracy in Pakistan its hurdles and hopes in coming paragraph dekho na sari cheezon ko indicate kar rahi hai aur main agar thodi si mushkil likhunga to main likhunga this is a factor that despite daunting hurdle of democracy in Pakistan if it is allowed to evolve there are considerable prospects that democracy can flourish in Pakistan jo yaad rakhe बड़े आपकी थीसिस स्टेटमेंट वो होनी चाहिए जो पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करेगी अब सपोज हम ये करते हैं बड़े मेरा ऐसे ये हो कि डेमोक्रेसी एंड इट्स हर्डल्स क्यों होप्स का जिक्र ही ना हो और ना ही मैं अपनी आउटलाइन में होप्स का जिक्र करूं तो फिर जो मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी मॉडरेशन उसके अंदर भी होप्स का जिक्र नहीं होगा तो याद रखिए मैंने क्या पहली बात की मैंने कहा इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं ये डिस्कशन को समराइज करती है और ये कनेक्ट करती है जब भी समरी होगी ये फॉर द दो काम करेगा क्लियर हो गया मैंने इसकी लोकेशन पे बात की मैंने इसके दो लोकेशन एक इंट्रोडक्शन के एंड पे और दूसरा कंक्लूजन के स्टार्ट में लेंथ एक सेंटेंस होती है टाइप्स तीन होती हैं एक फॉल्टी होती है एक ऑर्डिनरी होती है और एक जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है बट इस स्टेज पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू मे स्टार्ट विद सिंपल बट आप सिंपल से स्टार्ट करो जब सिंपल पे आपको अबूर हासिल हो जाए तो देन यू आर सपोज टू राइट अ कॉम्प्लेक्स मैं दोबारा बताता हूँ मॉडरेशन आज हमने इंट्रोडक्शन कंपोनेंट इसका डिस्क्रिप्टिव एसे का मैंने आपको बताया मैंने कहा जब भी आप डिस्क्रिप्टिव एसे का इंट्रोडक्शन लिखेंगे मॉडरेशन दिस ऑलवेज लुक लाइक दिस जनरल स्टेटमेंट होगी देन स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी Then प्राइमरी होंगी लेकिन एक मिनट ये याद रखें ये लाजम नहीं है कि हमेशा प्राइमरी पहले आएंगी बस ऐसे आ जाए ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स रेमडीज तो मुझे बताएं इसमें causes, consequences, तो सेकेंडरी हैं बट ये लाजम नहीं है कि जी पहले प्राइमरी का मतलब ये उस पर फोकस ज्यादा होगा और डेसेंट एंड पे जब आप पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करेंगे तो वो थीसिस स्टेटमेंट याद रखें बट जब भी आपने ऐसे लिखना है वो हमेशा इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा अब जब भी ऐसे लिखना है मॉडरेशन हमेशा वो इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा हमेशा जब भी आप ऐसे लिखोगे मॉडरेशन वो हमेशा इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा ये पैटर्न याद कर रहे हैं अब मैं आपको एक ऐसे दिखाता हूं पिछले साल इनके 2018 में मेरे एक स्टूडेंट ने एक ऐसे लिखा था फाइनल एग्जाम के अंदर क्योंकि स्टूडेंट फिर मुझे भी दिखाते रहते हैं और जब मोस्टली बच्चे पेपर दे के आते हैं तो उसके बाद आके मुझे दिखाते हैं कि सर इसको देखें मैं पेपर में ये इंट्रोडक्शन लिख के आया हूँ तो आप क्या समझते हैं मैं पास हूँगा या फेल अब उस स्टूडेंट ने जो लिखा था
मैं वो इंट्रोडक्शन अब तमाम लोगों को एक दफा दिखाता हूँ और एंड पे मेडिटेशन उसके मैं मार्क्स भी बताऊंगा कि फाइनल में उस स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए। अब ये देखते हैं ऐसे, बट ये एक ऐसे है, टॉपिक है एक मुझे और दे। ये हमारा टॉपिक है और मेडिसिन हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेस एंड रेमेडीज। मैं इसको गौर से देखूं, बड़े मेरे एग्जामिनर ने मुझसे दो चीजें पूछी है, मेरे एग्जामिनर ने बड़े मुझसे पहले कॉजेस पूछी है और उसके बाद उसने मुझसे रेमेडीज पूछी है। क्लियर हो जाए? अच्छा, अब बड़े एग्जामिनर ने जो सबसे पहले लिखा है उसने जनरल स्टेटमेंट से लिखा है। मैंने आपकी सहूलत के लिए कलर चेंज कर दिया, आप नहीं चेंज करेंगे। ये देखें बेटे, ये यहां तक जनरल स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा लिखा अगेन, उसने जनरल स्टेटमेंट बैकग्राउंड से स्टार्ट किया। उन्होंने लिखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द नंबरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग इज अनडाउटेबली द मोस्ट डेंजर प्रॉब्लम दैट हैज कैप्टिवेटेड द थॉट ऑफ द काउंटलेस पीपल सिंस द लास्ट टू डेकेड्स। जर्नल हो गई। उसके बाद ये सुन मैंने स्पेसिफिक लिखी, मैंने लिखा ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज in the average temperature of the earth. The issue is further intensified by the fact that the world leaders have yet not been forged the consensus on global warming. Uske baad humne primary likhi, causes. Global warming is caused due to the massive burning of fossil fuel like coal, diesel, furnace oil, and unchecked natural gas. Such unchecked burning has increased the percentage of carbon dioxide in the atmosphere to alarming point. Furthermore, nuclear radiation, mass deforestation, and unchecked use of the chemical have made the situation more threatening. Secondarily, if the rise of the greenhouse gases remain unchecked, the repercussion can be catastrophic for animal and human races. The ice and pole would melt, and it leads to rise in the sea level. Consequently, many coastal cities can be inundated. Moreover, green pasture will turn into desert. Many important animal species would become extinct. Dobara primary pe wapas aaye. The solution of this problem required the immediate steps. It required the world leader to develop the unanimity of thought to counter the issue. It also demands engineers and scientists to explore the new avenue for renewable resources and energy management. There is also a need to generate the worldwide awareness and the masses about this issue, which is so much inductively linked with the life and the future of billions of the people. The effective solution of the problems lies in well-deliberate, ceaseless discipline and sincere effort at a global and national level. उसके बाद ये सब पूरी पूरी डिस्कशन को हम क्लोज करेंगे, जब क्लोज करेंगे तो थीसिस स्टेटमेंट। और अब भी हमने सिंपल लिखी है, हमने क्या लिखा, हमने द एसे वुड ब्रिंग टू लाइट ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस रिपरकशन एंड अ प्रैक्टिकल मेजर टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एक्सपोज बेटे मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर सपोज ये कंसिक्वेंसेस वाला पोर्शन ना होता, अगर ये कंसिक्वेंसेस में ना होता तो फिर इस चीज को थीसिस स्टेटमेंट के अंदर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि थीसिस तो ऊपर वाली डिस्कशन को समराइज करता है, और अगर आपने ऊपर किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया तो बेसन जिक्र नहीं किया तो कभी भी नहीं आएगी। मेडिसन थिंग्स आर सो सिंपल, बट बिल्कुल आसान है। सिंपल आपने चीजें जो है मेडिसन चीजों पे फोकस करना है। दोबारा वापस ले जाऊंगा,
मैं आपको एक दफा पैटर्न दिखा देता हूं। मैंने कहा डियर सन जब भी किसी भी जगह आप लिखेंगे तो ऐसे ऑलवेज लुक लाइक दिस वन, जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगी उसको फॉर द डोम इन जनरल। जनरल का मतलब ये है कि आपका जो भी टॉपिक होगा अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के मैंने आपको तरीके बताए हैं। मेरे सर सबसे पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, देन कोटेशन, देन स्टोरी, देन क्वेश्चन। स्पोर्टिंग पे जब मैंने बात की, मैंने कहा कि डियर सर प्राइमरी वो चीज होती है जो कैटेगोरिकली पूछी जाती है, सेकेंडरी वो होती है जो किसी ने नहीं पूछी है। लेकिन डियर सर बेशक किसी ने नहीं पूछी है, अगर आप उसको थोड़ा सा टच देते हो, थोड़ा सा ऐड करते हो, तो नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। और थीसिस स्टेटमेंट वो सेंटेंस होता है जो आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करेगा, क्लोज करेगा, तो मारिया सेंट हम उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, अब आपके पहले मैं क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद बेटे मैं आज आपका टेस्ट लूंगा, और अब जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें आपके मैं नंबर भी बताया करूंगा कि किसके कितने मार्क्स हैं। और हम इंट्रोडक्शन से उस वक्त तक आगे नहीं लेंगे जब आने से हर एक इसका एक्सपर्ट ना हो जाए। मैं हमेशा अगले दिनों में तीन टॉपिक से इंट्रोडक्शन लिखवाऊंगा, तो इस वजह से अभी से आप कंटेंट इकट्ठा कर लें। डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इवल्स ऑफ पाकिस्तान। जी मैमूना, आप बताएं। मैमूना मैं सुन रहा हूँ आपको। सर मेरे एक दो तीन क्वेश्चन हैं। सर पहला ये कि आपने बताया कि बैकग्राउंड में भी हमने खुद क्वेश्चन करना होता है। जी जी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ आपको, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा सा ऊंचा बोले आप। बैकग्राउंड में भी क्वेश्चन करना होता है हमने खुद से, और फिर आपने कहा कि क्वेश्चन में भी हमने खुद से क्वेश्चन करना होता है, एक तो सर इन दोनों में डिस्कस किया है फिर। बड़े पहला जो होता है वो इनडायरेक्ट अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन लिखा नहीं जाता है, अपने आप से अंडरस्टैंडिंग। आप कहते हैं कि यार ये टेररिज्म कहां पे होगा, आप कहेंगे मुआशरे में, और सिर्फ उसका जवाब लिखा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन लिखा जाता है, क्वेश्चन क्या होता है लिखा जाता है, और देन उस क्वेश्चन का आप जवाब देते हो। ये है कि आपने जनरल स्टेटमेंट बताई, फिर आपने स्पेसिफिक स्टेटमेंट बताई। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में भी प्राइमरी स्टेटमेंट और सेकेंडरी स्टेटमेंट आएगा या सिर्फ स्पोर्टिंग स्टेटमेंट में आएगा? बड़े स्पोर्टिंग में नहीं आएगा। स्पोर्टिंग में तो आपका जो भी टॉपिक होगा अपने टॉपिक को डिफाइन करोगे। स्पोर्टिंग में क्या करोगे, टेररिज्म को डिफाइन करोगे। जो प्राइमरी और सेकेंडरी तो वो होती हैं जो उसकी कॉजेज हो गई, जो उसके कंसिक्वेंसेस हो गए, जो सोल्यूशन हो गए, वो प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे। स्पेसिफिक के अंदर जो भी टॉपिक होता है टॉपिक को आप डिफाइन करते हो। एब्स्ट्रैक्ट और लिटरेसी रिव्यू, सर ये क्या चीजें हैं, इनकी समझ नहीं आई है, हमेशा कंफ्यूज कर देती हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है जब भी आप किसी भी चीज की समरी लिखते हो तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। हेलो जी सर, मैं कह रहा हूँ सर कि मेरे दो छोटे क्वेश्चन है थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड। सर पहला ये, जैसे आपने कहा कि इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगा और कंक्लूजन के शुरू में, तो सर वो बहुत जैसे हम उसको इंट्रो के एंड पे लिखेंगे वही कंक्लूजन के स्टार्ट में दोबारा फिर से हमने उसको लिख के आगे, वही चीज नहीं होती, कंटेंट वही होता है, वही होता है, लेकिन उसके अंदर उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। आगे मैं स्टाइल पे बात करूंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है।
थीसिस स्टेटमेंट का कि जो डिफरेंट एसेज हैं आर्गुमेंटेटिव एब्स्ट्रैक्ट है और एक्सपोजिटरी है, तो तीनों का थीसिस स्टेटमेंट एंड पे आएगा, यानी इनकी लोकेशंस डिफरेंट हो सकती है। हर लोकेशन सेम रहेगी, फर्क ये होता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर प्लान्स आते हैं और आर्गुमेंटेटिव में स्टॉन्ट्स आते हैं। मुझे एक चम्मच दे दे। ठीक है, यानी सर आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्टिव सब में एंड ही पे आएगा। बिल्कुल आएगा, सिर्फ स्टाइल चेंज हो जाएगा। थैंक यू सर। मारे आप बताओ। मैमुना आप अपने आप को अनम्यूट कर दो। जी मारिया। सर मेरा ये दो क्वेश्चंस हैं। एक ये कि अभी इस स्टेज पे सर हम थीसिस स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कैसे करें डेली बेसिस पे? आप मुख्तलिफ टॉपिक निकाले करो, मुख्तलिफ टॉपिक निकाले करो, उनके थीसिस लिखी करो और हमें भेजी करो, हम आपको चेक करके देंगे। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, मैंने बेटे ऐसे बहुत से आपसे लिखवाने हैं, उसकी थीसिस स्टेटमेंट सही लिखनी है। ये दूसरा बताएं। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा बेसिकली वो आपकी एग्जांपल जो आपने मुझे दी ग्लोबल वार्मिंग वाली, उससे पहले था क्योंकि मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही थी हाउ टू राइट द स्टेटमेंट। तो समटाइम्स वी वांट टू कन्वे अ न्यूट्रल पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनवायरमेंटलिज्म के दरमियान इफ यू वांट टू स्टे न्यूट्रल इन इट, तो सर उस टाइम पे फिर और हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपना मैसेज कैसे कन्वे करें, तो हम सिंपली सिर्फ जो हमने आउटलाइन के अंदर पॉइंट्स हैं उनको डाल देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, या हम अपना मैसेज उसमें कन्वे करें? बेटे जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है ना, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर आपका मैसेज होता भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ न्यूट्रल रहते हैं और आप उसके अंदर प्लांस इंडिकेट करते हैं। आपका स्टांस जो है ना वो सिर्फ आर्गुमेंटेटिव ऐसे में होता है। ठीक है, मसलन एक मिनट, टॉपिक है को एजुकेशन इज मेरिट एंड डीमेरिट्स, इसमें तो आपका कोई स्टांस नहीं होगा, सिंपल आप बताओगे कि दिस एसे विल टॉक अबाउट को एजुकेशन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स इन कमिंग पैराग्राफ। तो सर ये थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। यस। और सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि सर एक अद कोई एग्जांपल अगर बता दें थीसिस स्टेटमेंट बिफोर कंक्लूजन, यही ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज आपको बता दें। मारिया मैंने कंक्लूजन पढ़ाया ही नहीं है, जब कंक्लूजन पढ़ाऊंगा तो उसकी एग्जांपल उस वक्त दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब्दुल रहमान आप बताओ। मेरा भी थीसिस स्टेटमेंट का हवाले से था सर। मैं बर्टन रसल का सर एक पैराग्राफ ऐसे पढ़ रहा था, आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड। पढ़ रहे थे सर रसल का आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ऐसे था, तो उसमें वो सर जो थीसिस स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन की, उसमें वो लिख रहा है कि I think all these things come to in our conception of what helps mankind, and I will say a preliminary word about them. तो सर ये यहाँ पे first person का use कर रहा है Russell। बेटा देखो, देखो वो कोई examine, वो जो essay है ना Russell वाला, वो literary essay है। कौन सा essay? और आपका essay जो है ना, बेटा वो academic essay है। Literary के अंदर वो लिख सकते हैं, academic essay वाले नहीं लिख सकते। अच्छा। रिफत आप बताओ। रिफत मैं सुन रहा हूँ आपको। सर मैंने ये पूछना था कि अभी आपने जो एक इंट्रोडक्शन दिखाया था एसे का, उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टार्ट किया हुआ था और फिर आगे स्पेसिफाई किया हुआ था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम रीजन के तौर पर लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो वो स्पेसिफाई नहीं हो जाएगी, मतलब उसकी तो और बेटा हम तो उसको बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है, हमने तो उसका एज ए बैकग्राउंड, हम तो एक इवेंट से स्टार्ट किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आगे हमने कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र किया, हमने तो सिर्फ उसको आपस में लिंक किया दो चीजों को। जी सर। हम देखो बेटा वो सिर्फ लिंकेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। जी 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 सर। और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस पूछे नहीं गए थे लेकिन लिखे हुए थे, तो लिख सकते हैं। मैंने कहा सेकेंडरी हेडिंग वो होती है, सेकेंडरी मतलब हम वो भी लिख सकते हैं जो ना पूछी जाए। यस। और लेकिन वो रेलेवेंट होगा, इसका अच्छा इंपैक्ट होता है। और सर एक और बात पूछनी थी, आपके जो एसेज हैं मीनिंग एसेज, उसमें जस्ट एक ही कंप्लीट एसे लिखा हुआ है, तो उसकी एक नहीं है हार्ड कॉपी, वो आप कहां से ले सकते हैं? जी आप एकेडमी के नंबर पे कॉल करें, वो आपको भेज देंगे। बुरा रहा बताओ।
सर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के रिजल्ट्स कब मिलेंगे हमें, और दूसरी बात ये सर कि कंटेंट्स इकट्ठा करने के लिए कोई आसान सा मेथड है कि नहीं सर, किस तरह कंटेंट्स आसानी से डायग्नोस्टिक कार्ड में भेज दूं तमाम लोगों को, अगर आपको नहीं मिला तो एकेडमी के नंबर पे कॉल करें, वो आपको भेज देंगे। ठीक है सर। कंटेंट पे बेटे आगे मेरा अलग लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें बताऊंगा, पहले थोड़ा सा मैं आर्ट्स चालू कंटेंट पे मूव करेंगे। जी सर। बड़े अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, जब मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा ना तो उस वक्त ये बताऊंगा कि कहां से सीखने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, अभी नहीं। ओके सर, ओके सर। अब आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे दो से तीन क्वेश्चंस हैं। सर पहला ये कि आप स्पेसिफिक और थीसिस को अगर डिफरेंशिएट करें तो वो कैसे करेंगे सर? बड़े थीसिस के अंदर आप सिंपल जो आपका टॉपिक होता है उसको समराइज करते हो कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेंपरेचर। राइट सर। स्टेट के अंदर पूरी पूरी डिस्कशन को समराइज करते हो। This essay will talk about globalization, its causes, consequences, ये मुख्तलिफ हैं दोनों। तो सर स्पेसिफिक में जरूरी है कि हम टॉपिक को डिफाइन करें या उससे रेलेवेंट कोई इम्पैक्ट किया कोई इस तरह से कोई अप्रिहेंशन कोई डेटा वगैरह भी कोट कर सकते हैं? अप्रिहेंशन वगैरह आती है वो तो जी प्राइमरी या सेकेंडरी हेडिंग। अब चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, इनडेप्थ आप टॉपिक को डिफाइन करोगे, इसकी हिस्ट्री बताओगे, अच्छी चीज है तो एडवांटेज बताओ, बुरी चीज है तो डिसएडवांटेज बताओ। ठीक है सर। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर हम आर्गुमेंटेटिव का जो थीसिस लिखेंगे सर उसमें एंटीथीसिस और साइंथीसिस मेंशन करेंगे थीसिस में, या सर सिर्फ हम उसको हमारा जो प्राइमरी होगा उसको ही जो हम रखेंगे? प्राइमरी होगा सर वो करेंगे, थीसिस और एंटीथीसिस आप ऊपर कर चुके होते हो। ठीक है सर। दूसरी फाइनल आपका स्टांस। सर एक और क्वेश्चन है सर, हम आउटलाइन में इनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी है सर इसको अगर मूव करते हैं, कॉज पहले रखते हैं, प्राइमरी पहले नीचे रखते हैं, सेकेंडरी पहले रखते हैं, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर कि आपने टॉपिक को हिट किया है या कोई ऐसा कोई सेंस तो नहीं जाएगा सर? मुझे बताएं कौन सा ऐसे है जिसमें मसलन आपसे पूछा जाए ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वार्मिंग रेमेडीज, या लॉजिकली रेमेडीज पहले आ सकती है? सर नहीं आएंगी, लेकिन सर मेरा इससे रेलेवेंट ऐसे सवाल है सर, मैंने लिखा था थ्रेड्स ऑफ, मैं वही तो आपको जवाब दे रहा हूं बेटे, मैं जवाब आपको ये दे रहा हूं कि कुछ चीजें पे लॉजिकली अब फर्क इस वजह से भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बेटे जो सेकेंडरी होंगी वो तो थोड़ी थोड़ी लिखोगे आप, दो कॉजेज लिखोगे, दो कंसीक्वेंसेस लिखोगे आप, उसकी रेमेडी तो 10-12 लिखोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर आउटलाइन में जो हम उसका पैटर्न रखेंगे सर ऑर्डर, वो इंट्रो में भी सर वही ऑर्डर रखना है? बेटे पूरे ऐसे के अंदर वही ऑर्डर चलेगा। और सर एक सवाल और है सर, जैसे कि ऐसे है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी सर, उसको आपने बताया था ओपन और क्लोज एंड में, तो सर इसको हम कैसे डील करेंगे डिस्क्रिप्टिव में सर, इसके प्राइमरी सेकेंडरी किस तरह है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। तो सर वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी हम इनका सर आपस में कनेक्शन बना के इसके पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे और आप दूसरा पॉइंट लिखोगे व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ये प्राइमरी बन जाएगी। ठीक है सर। सॉल्यूशन लिख दोगे वो सेकेंडरी बन जाएगी। ठीक है सर। और एक और है सर, हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से कर रहा है, तो सर ये भी डिस्क्रिप्टिव लग रहा है मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। ये वाकई डिस्क्रिप्टिव है, वैसे ओपन एंडेड है, आर्गुमेंटेटिव भी बन सकता है, दोनों वे से बको सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। इसको डिसएग्री कर लो, आपको वो कर ही नहीं रही है। ठीक है सर, राइट। मुझे एक मिनट है, सिंपल एक ये बस।
इसके बाद अमाद खटक साहब को क्वेश्चन है। जी अमाद साहब, अमाद मैं सुनूंगा आपको। जी जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सर, दो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे है, लेकिन आप जो थीसिस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे एक इंट्रो के एंड पे और कंक्लूजन के शुरू में, एम आई राइट? जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जो जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक ही सेंस फॉरवर्ड करेगी डिफरेंट वर्डिंग्स, मतलब जो इंट्रो के एंड पे होगा जिसमें आपने दिखाया कि दिस एसे विल एलैबोरेट दिस दिस दिस, और अगर ये मैं कंक्लूजन के एंड पे लिखूंगा कंक्लूजन के शुरू पे जो कि आपने पढ़ाया नहीं है वो यही होगा कि तो हेंस कंक्लूडेड के ये चीज होनी है या हुई है, टेंस चेंज हो जाएगा, am I right? हां जी सर, एक जो क्वेश्चन था आपने जो यार बहुत डिस्टॉर्शन है, बहुत डिस्टॉर्शन है डॉक्टर साहब, बहुत डिस्टॉर्शन है, पहले इसको फिक्स करें। अभी ठीक है सर? फिदा आप बताओ, खटक साहब बहुत डिस्टॉर्शन है, पहले इसको फिक्स कर लो फिर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। फिदा आप बताओ। सर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है सर, एक ये कि सर हम प्राइमरी स्टेटमेंट्स में और स्पेसिफिक में सर अगर हम अपने पॉइंट को स्ट्रेस देने के लिए या स्ट्रेंथ देने के लिए अगर हम कोई कोटेशन उसमें लिख लें तो सर ये कैसा रहेगा? इंट्रोडक्शन इधर नहीं आती, इंट्रोडक्शन सिर्फ स्टार्ट में कोटेशन आती है, बाकी सिर्फ ओवरव्यू देते हैं। यहाँ पे आप अपने पॉइंट को स्ट्रेंथन नहीं करते, वो बॉडी पैराग्राफ करते हो। ओके सर, और सर कंक्लूजन में सर थीसिस स्टेटमेंट में सर फिर ये लिखना हम डायरेक्ट, मैंने पढ़ाई ही नहीं है, मैंने कब यार कंक्लूजन पढ़ाया ही नहीं है, तो आप क्यों क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, थीसिस स्टेटमेंट, सर थीसिस स्टेटमेंट का बोल रहा हूं सर। सर उसमें सर ये लिखना जरूरी है कि मतलब हम अगर हम लिखे कि द फॉलोइंग पैराग्राफ विल हम ये डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दिस एंड दैट, सर अगर ये ना लिखे और सिंपल दिस स्टेटमेंट लिख ले तो ये कैसा रहेगा? लिख यार कोई इशू नहीं है, ये दिस इज योर, जो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं वो ये लिखते नहीं है इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, वो ऑलवेज लिखते हैं। ओके सर थैंक यू। आशा बताओ। सर मैंने पूछना था कि आपने कहा था ना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, ऐसे ही है ना सर? मैंने क्या बताया? जो प्राइमरी स्टेटमेंट और सेकेंडरी स्टेटमेंट के बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस उसका हिस्सा है, अगर हम किसी भी बारे में कॉन्सिक्वेंसेस लिखते हैं। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करना। सर जैसे आपने अपने स्टूडेंट का हमें दिखाया था, ऐसे उसका इंट्रोडक्शन दिखाया था, उसमें आपने बताया था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं थीसिस से पहले, तो यानी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का ये हिस्सा है कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो हम थीसिस को सही से डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। मैंने ये कहा है, मैंने और कहा, मैंने कहा था बेटे वो एसे जो था वो था ग्लोबल वार्मिंग इट्स कॉजेस एंड रेमेडीज, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पूछे गए थे, ठीक है? मैंने कहा एज ए सेकेंडरी अगर आप उसको दोगे एसे में तो वो फिर थीसिस में भी आएगी, अगर ऐसे में उसका जिक्र नहीं करोगे तो थीसिस में भी नहीं आएगी, मैंने ये बात कही है। अच्छा, और सर एक और चीज, अगर कोई ऐसे है जिसमें हमने सर हम पहले ये बता दें कि प्लांस और स्टैंस दो चीजें हैं, हम लोग आर्गुमेंटेटिव में अपना स्टैंस देते हैं ना, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हम लोग प्लांस बताते हैं थीसिस में। यस ठीक है सर, अगर प्लांट्स के बारे में बताना है थीसिस स्टेटमेंट में तो हम कैसे बताएंगे? अरे आप प्लांट्स यही बताओगे ना, दिस एसे विल टॉक अबाउट को एजुकेशन इट्स मेरिट एंड टीम मेरिट्स इन कमिंग पैराग्राफ, ये प्लांट्स हो गए। ठीक है सर, एक और चीज, अगर कोई ऐसे आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो हम लोग उसको किस तरह लिखेंगे, जनरल स्टेटमेंट में उसका बैकग्राउंड बताएंगे? जी स्पेसिफिक में जो वो टॉपिक होगा वो बताओगे, प्राइमरी के अंदर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओगे और थीसिस के अंदर। अच्छा प्राइमरी में बताएंगे, ठीक है वो प्राइमरी के अंदर बताएंगे, ठीक है। और सर सेकेंडरी स्टेटमेंट नहीं आएगी इसमें अगर ऐसे ऐसे कोई डिसएडवांटेजेस वाला? इसकी बनती नहीं है, इसकी बनती नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं बनानी, इसकी कोई सेकेंडरी नहीं बनती। सर सेकेंडरी स्टेटमेंट किन ऐसे की बनती है बेटे? वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, टॉपिक पे डिपेंड करता है कि अगर रेलिवेंट लगती है तो बना दो, अगर रेलिवेंट नहीं लगती है तो ना बनाओ। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा डियर सर, दो क्वेश्चन रह गए हैं सना और किरण का, किरण और सना इंशाल्लाह
मैं कल का लेक्चर आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। सर मुझे सिर्फ जी सर बता दे सर मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अगर आपको कोई चीज भेजनी हो तो ये जो ईमेल पे जिस पे आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट भेजा था उसी पे भेजना है या किसी और जगह पे? उसी पे चलिए बस ठीक है। चलिए किरण आप अभी तस्वीर पूछ लेते हैं। जी किरण आप बताएं। सर मुझे बस ये पूछना था, आपने ग्लोबल वार्मिंग का एक इंट्रोडक्शन शेयर किया है, उसका टॉपिक प्रॉपर क्या है? बिकॉज़ इसमें हमने कॉजेज और रेपरकशंस शेयर किए हैं। टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेज एंड रेमेडीज। ओके थैंक यू मेडिसिन, हम लेक्चर खत्म करते हैं। सी यू टुमारो।